नमस्कार वेलकम टू एस जी के जी स्टडीज यूट्यूब चैनल क्लासेस एंड ऑन दिस चैनल नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेलीगेशन ऑफ़ फाइनेंशियल रूल्स फाइनेंशियल पावर्स रूल्स 1978 अपडेटेड टिल डेट डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स 1978 अपडेटेड टिल डेट

कि जो हमारा पावर है वो मैं अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर देता हूँ फैसिलिटेट कर देता हूँ कहने का मतलब कि मैंने अपने पावर अपने सबॉर्डिनेट को दे दिया उसको पावरफुल बना दिए कि नहीं तो इससे मिलता जुलता ही तो डिसेंट्रलाइजेशन है मिलता जुलता है एक नहीं है इन दोनों में क्या फ़र्क है अभी देखते हैं डेलीगेशन का पर्पस क्या होता है टू तो रिड्यूस बर्डन ऑफ द मैनेजर कह लीजिए चाहे सुपीरियर कह लीजिए टू रिड्यूस बर्डन ऑफ द सुपीरियर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है इट इंक्रीजेज द रोल ऑफ द सबॉर्डिनेट बाई गिविंग ने मोर इंडिपेंडेंस ठीक है इसेंशियल में क्या है यह कंपल्सरिली एक्ट है यह ऑप्शनल है डिसेंट्रलाइजेशन किया भी जा सकता है नहीं भी किया जा सकता है ये टॉप मैनेजमेंट पर डिसाइड करता है डिपेंड करता है ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन सबॉर्डिनेट इंजॉय लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन इसमें क्या है डेलीगेशन हो गया ना तो आपका पावर ही नहीं बढ़ा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई तो आपका फ्रीडम तो कर्टेल हो ही गया डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है हियर सबॉर्डिनेट्स इंजॉय मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन एट एवरी लेवल क्योंकि यहाँ पर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर ओरिजिनल पावर यहाँ पर वेस्ट हो रहा है यहाँ पर ओरिजिनल पावर ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर ओरिजिनल पावर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है ओरिजिनल पावर को सिर्फ डेलीगेट किया जा रहा है यूज करने के लिए उसका असली मालिक यहीं पर बैठा हुआ है अथॉरिटी विदड्रॉन डेलीगेटेड अथॉरिटी कैन बी विड्रॉन बाय डेलीगेटर एनी टाइम सो जो डेलीगेशन और पावर में जो अथॉरिटी डेलीगेट की गई है उस अथॉरिटी को कभी भी डेलीगेट किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन डिसेंट्रलाइजेशन जो हो गया कैन नॉट बी ईजिली विड्रॉन डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल अगर लेना है तो शेड्यूल सेवन में हम लेंगे जिसमें यूनियन लिस्ट है स्टेट लिस्ट है लिस्ट है ये तीन लिस्ट बने हैं लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ व्यू से कि कौन किस एरिया को रूल रेगुलेशन बना सकता है एग्जीक्यूट कर सकता है तो वो डिसेंट्रलाइज हो गया है अगर अगर डिफेंस जो है यूनियन लिस्ट है तो पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट है और इस डिसेंट्रलाइजेशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो इसलिए इट कैन नॉट बी इजिली विथड्रॉ स्कोप क्या है इट हैज नैरो स्कोप एज इट इज लिमिटेड टू सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबिनेट सो इसमें क्या है इमीडिएट जो सुपीरियर जो है अपने इमीडिएट सबिनेट को ही दे सकते हैं एक दो स्टेप जंप करके उसके नीचे वाले को नहीं दे सकते हैं ए जो है बी को दे सकता है बी जो है सी को दे सकता है बी डी को नहीं डेलीगेट कर, कर सकता डि De डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है इट हैज़ वाइड स्कोप इट इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट सो ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है पावर को ही डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है पावर का ही ब्रेक कर दिया जाता है ये पावर आप इंजॉय करेंगे ये पावर सो ये पावर ए ए पावर बी दिस पावर सी दिस पावर डी ऐसे ये बांट दिया जाता है और वो उसका रियल पावर ऑनर हो जाता है रियल उसकी अथॉरिटी उसके पास हो जाती है यहाँ पर रियल नहीं होल्डर है ये डेलीगेट किया हुआ है किसके पास है? से इमीडिएट सुपीरियर से इमीडिएट सबऑर्डिनेट के पास तो ये बेसिक डिफरेंस है डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में अब हम ये जानते हैं कि डेलीगेशन जो हम ये इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं लाभ क्या है सुपीरियर कैन फोकस ऑन चैलेंजिंग जॉब सुपीरियर क्या करते हैं अपने कुछ बर्डन अपने इमीडिएट uh, सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देते हैं और जो खाली समय मिलता है उस खाली समय में वो किसी और चैलेंजिंग जॉब पर वो विचार कर सकते हैं लीड्स टू क्विक डिसीजंस एंड एक्शंस ट्रेंस डेवलप्स एंड प्रिपेयर्स जूनियर्स इसमें जो सेकेंड लाइन है उनको ट्रेन किया जाता है बुश मोराल ऑफ जूनियर जैसे ही डेलीगेट होता है पावर जूनियर जो होते हैं उनको लगता है कि मैं भी बड़ा आदमी बन गया हूँ छिपकली भी छोड़िए उस एग्जाम्पल को बुट्स मोरल ऑफ द जूनियर्स मोटिवेट्स सबॉर्डिनेट्स लीड्स टू बेटर रिजल्ट इम्प्रूव्स सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप डेवलप्स ए टीम स्पिरिट इससे टीम स्पिरिट भी डेवलप होता है की टू सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऐसा आप ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल करना है तो एक दूसरे पर रिलाई करना पड़ेगा एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा डेलीगेशन ऑफ पावर करना पड़ेगा तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर यहाँ तक आ ही गए हैं तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए कमेंट कर दीजिए तो रूल फोर में देखते हैं जनरल लिमिटेशन ऑन पावर टू सेंशन एक्सपेंडिचर नो एक्सपेंडिचर शैल बी इनकर्ड फ्रॉम द पब्लिक रेवेन्यू एक्सेप्ट ऑन द लेजिटिमेट ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर सो रूल फोर में जो जनरल लिमिटेशन ऑन पावर टू सेंक्शन एक्सपेंडिचर दे रहा है दे रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि साहब आपके पास खर्चा पूरा करने का अधिकार है लेकिन आप सिर्फ वहीं पे खर्चा कर सकते हैं जो लेजिटिमेट ऑब्जेक्ट हो जो लेजिटिमेट ऑब्जेक्ट नहीं है उस पर आप खर्चा नहीं कर सकते हैं कहने का मतलब कि जिसका एपोर्शन जिसका अप्रोप्रिएशन हुआ है जिसका री अप्रोप्रिएशन हुआ है वहीं आप खर्चे कर सकते हैं जिसका अप्रोप्रिएशन नहीं हुआ है जिसका रीअप्रोप्रिएशन भी नहीं हुआ है भूल जाइए उस खर्चे को और जिस हेड के लिए जिस जॉब के लिए अप्रोप्रिएशन हुआ है उसी को बोलते हैं लेजिटिमेट ऑब्जेक्ट अगर बिल्डिंग के लिए हुआ है तो बिल्डिंग लेजिटिमेट ऑब्जेक्ट हुआ अगर टेंट के लिए हुआ है तो टेंट लेजिटिमेट ऑब्जेक्ट हुआ रूल फाइव में क्या है रेसिजूरी फाइनेंशियल पावर्स रेस्ट विद फीनेस मिनिस्ट्री सो अभी तक तो आपने ये देखा कि सुप्रीम पावर जो है वो प्रेसिडेंट महाराज के पास है और प्रेसिडेंट महाराज जब चाहे अपने जो डेलीगेटेड पावर्स हैं उनको विड्रॉ कर सकते हैं उनको इन्हेंस कर सकते हैं उनको डिक्रीज कर सकते हैं उनको मोडिफाई कर सकते हैं उस पर कंडीशन लगा सकते हैं ये प्रेसिडेंट महोदय का पावर है रूल फाइव में ये कह रहे हैं कि इस रूल बुक में जितने भी हम पावर का डेलीगेशन जो डेलीगेशन ऑफ पावर की चर्चा कर रहे हैं और जो कहीं भी छूट गया हो जो कहीं भी यूज में नहीं आया जिसका मेंशन नहीं हुआ हो जिसका मेंशन नहीं हुआ उसको रेसीज्यूरी पावर कहते हैं तो जो रेसीज्यूरी फाइनेंशियल पावर्स जो है दैट रेस्ट विद फिनेस मिनिस्ट्री सो फिनेस मिनिस्ट्री इज द रिजरवायर ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स जहाँ कहीं भी क्लेरिटी नहीं हो फिनेस मिनिस्ट्री हैज टू बी अपचरोड एंड दे विल क्लेरिफाई इट द फाइनेंशियल पावर्स नॉट स्पेसिफिकली डेलीगेटेड टू नोन एज रेसिजिय फाइनेंशियल पावर्स जो पावर डेलीगेट नहीं किए गए हैं स्पेसिफिकली कन्फ्यूजन है डाउट है चाहे डेलीगेट नहीं किए गए हैं उनको हम रेसिजुअरी फाइनेंशियल पावर जान कहते हैं एट दिस वेस्ट सीन मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस रूल सिक्स रूल फिफ्थ जो था वो आपका रेसिजुअरी पावर का है ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर रूल नंबर हम मेंशन करते जा रहे हैं रूल फिफ्थ जो है रेसिजरी फाइनेंशियल पावर के से रिलेटेड है रूल सिक्स जो है इफेक्ट ऑफ सेंक्शन के बारे में है सेंक्शन हो जाने पर क्या हो जाता है साहब एक्सपेंडिचर अगेंस्ट ए सेंशन शैल बी इनकर्ड फंड्स टू मीट द एक्सपेंडिचर लाइबिलिटी आर मेड अवेलेबल बाई वैलिड अप्रोप्रियशन री अप्रोप्रियशन एक्सपेंडिचर अगेंस्ट ए सेंशन एक बिल्डिंग सेंक्शन हो गई अप्रूवल हो गया बिल्डिंग बनाने का कोई कोई डिपार्टमेंट फॉर्म करने का अप्रूवल हो गया कोई हॉस्पिटल बनाने का अप्रूवल हो गया खर्चे तभी होंगे जब उसके उस हेड के अगेंस्ट में अप्रोप्रिएशन चाहे री अप्रोप्रिएशन होगा या तो अप्रोप्रिएशन के द्वारा उसको यूनिट वन हेड बना करके उसमें पे किया जाए और नहीं तो अगर उसमें कम पड़ रहा है चाहे नहीं है तो दूसरे हेड से उठा करके दूसरे यूनिट टू हेड से उठाकर यूनिट वन हेड में डाला जाए जिसको री अप्रोप्रिएशन कहते हैं मैं ये अप्रोप्रियशन और री को छोटे शब्दों में आसान कर देता हूँ मान लीजिए कि अपने घर में अपने घर में हम मंथली बजट फिक्स करते हैं कि हम टेन थाउजेंड रुपीज़ राशन में लगाएंगे एंड टेन थाउजेंड रुपीज़ हम इंटरटेनमेंट में यूज़ करेंगे एंड टेन थाउजेंड रुपीज़ हम कहीं पिकनिक वगैरह मनाने के लिए यूज़ करेंगे थर्टी थाउजेंड का हमने एक्सपेंडिचर रख लिया अब क्या करेंगे कभी कभी उस उस मंथ में विज़िटर्स uh, हमारे गेस्ट ज़्यादा आ गए तो जब गेस्ट ज़्यादा आ गए तो जो मेरा टेन थाउजेंड रुपीज़ जो था वो फ़ूड uh, के लिए था उसमें काम नहीं चल रहा है तो उसमें काम नहीं चल रहा है तो हमें क्या करना है उसमें पैसे कहाँ से डालेंगे उसमें तो सिर्फ टेन थाउजेंट ही है उसमें सिर्फ टेन थाउजेंट ही है तो उसमें क्या करेंगे हम दूसरे हेड से पैसे लाने पड़ेंगे क्योंकि हमने हेड फिक्स कर दिए है। हैं मुझे थर्टी थाउजेंट ही महीने में खर्चा करना है टेन थाउजेंड राशन में टेन थाउजेंड इंटरटेनमेंट में एंड टेन थाउजेंड पिकनिक एंड अदर एक मिसलिनियस एक्टिविटीज में तो हमें क्या करना पड़ेगा पिकनिक में से कुछ करटेल करेंगे फाइव थाउजेंड रुपीज़ और उस पिकनिक हेड से काट करके हम फूड हेड में पाँच फाइव थाउजेंड डालेंगे अब फूड हेड में फिफ्टीन थाउजेंड हो गया और शायद इतने से हमारा काम चल जाए अगर नहीं चलता है तो फिर से पर दूसरे हेड से ला करके इसे हेड में डालना पड़ेगा जब दूसरे हेड से ला करके पहले हेड में डालते हैं तो इसको रीअप्रोप्रिएशन कहते हैं हमने बुक खरीदने के लिए अलग से फंड रखे हैं ड्रेस खरीदने के लिए अलग से फंड रखे हैं कई बार बुक का रेट ज्यादा बढ़ गया चाहे बुक की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो ड्रेस वाला जो फंड जो है उसमें से कुछ करटेल करना पड़ेगा और उस फंड को निकाल करके जब पहली बार एलोकेशन हुआ कि इतना इतना अमाउंट जो है वो ड्रेस के लिए जा रहा है इतना अमाउंट जो है बुक के लिए जा रहे हैं उसको अप्रोप्रिएशन कहते हैं और जब काम नहीं चला तो हमने क्या किया ड्रेस uh, uh, वाला uh, जो फंड है उसमें से कुछ या पूरा कुछ या पूरा निकाल करके हमने बुक में डाल दिया उसको री अप्रोप्रिएशन कहते हैं तो तब तक आप कोई काम शुरू नहीं करेंगे जब तक उस हेड के अगेंस्ट में अप्रोप्रिएशन और री अप्रोप्रिएशन ऑफ एंड फंड नहीं हो जाता सेंक्शन होने के बाद भी इन द केस ऑफ रेकरिंग एक्सपेंडिचर रेकरिंग एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा है रेकरिंग एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है जो पुनरावृत्ति आवृत्ति खर्चा होता है जिसमें बार बार खर्चे होते हैं रेकरिंग एक्सपेंडिचर क्या होगा हर महीने हमें टेलीफोन बिल देना है हर महीने हमें केबल के चार्ज देना है ये रेकरिंग एक्सपेंडिचर हो गया और टी एक बार खरीदना है आयरन बॉक्स एक बार खरीदना है मोटर बाइक एक बार खरीदना है तो जो एक बार खरीदते हैं वो नॉन रिकरिंग हो गया और जो हर महीने पेट्रोल डाल रहे हैं अपने व्हीकल में उसको रिकरिंग एक्सपेंडिचर कहते हैं तो रेकरिंग एक्सपेंडिचर लाइबिलिटी सेंक्शन बिकम्स ऑपरेटिव वेन फंड्स फॉर द फर्स्ट ईयर आर मेड अवेलेबल बाय वैलिड अप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन जैसे ही फर्स्ट टाइम के लिए आपका कोई प्रोजेक्ट पास किया हुआ है और फर्स्ट टाइम उसमें फंड डाल दिया गया आपका जो सेंक्शन है वो ऑपरेटिव हो गया वहाँ से वो ऑपरेशनल हो गया वहाँ से काम उसका शुरू हो गया एंड इट रिमेंस इफेक्टिव फॉर ईच सब्सिक्वेंट ईयर एक बार शुरू हो गया हर साल आप उसमें दीजिए पैसे हर साल आपको अप्रोप्रिएट कीजिए चाहे री अप्रोप्रिएट कीजिए तो हिसाब से यह है कि पहले सेंक्शन होगा वर्क सेंक्शन होगा वर्क सेंक्शन होने के बाद से उस वर्क सेंक्शन के अगेंस्ट में जो कैपिटल है जो मनी है, है उसको जो एक्सपेंडिचर है जो लाइबिलिटी है उसका अप्रोप्रिएशन री अप्रोप्रिएशन होगा और प्री अप्रोप्रिएशन अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले रेकरिंग एक्सपेंडिचर का जो पुराने वाले जो आपके कॉस्ट हैं जो पुराने वाले आपके प्रोजेक्ट हैं जो पुराने वाले जो आपके स्कीम है पहले उसको फुलफिल करना है और उसके बाद से नए वाले प्रोजेक्ट के लिए शुरू करना है इट रिमेन्स इफेक्टिव फॉर ईच सब्सिकेंट ईयर सब्जेक्ट टू अप्रोप्रिएशन इन सच ईयर एंड सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ द संगसन कहने का मतलब गवर्नमेंट अगर चेंज हुई और उनका अपना प्लान चेंज हुआ तो हो सकता है कि दो चाल चार साल के बाद से वो बोलेंगे कि ये काम हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है हमारे लिए ये काम प्रायोरिटी है तो अगर ऐसा करते हैं तो जो पहला वाला काम जो दो साल तीन साल से चल रहा था वो रुक जाएगा वहीं पे क्योंकि फ़ंड नहीं आएगा उस साल का तो कैसे चलेगा वो तो वो रुक जाएगा और दूसरा कोई नया प्र, दूसरा प्रायोरिटी आ गया वो चलने लगेगा तो इसलिए उसको हर साल अप्रोप्रिएशन ऑफ फ़ंड होना भी चाहिए रूल सेवन जो है प्रोविजन ऑफ फंड्स वनली बाय पार्लियामेंट सो फरवरी आ रहा है और फरवरी में जो रिसेंट गवर्नमेंट है ये बजट पास कराती है तो बजट पास जब कराते हैं तो उसमें इनका क्या कहते हैं ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पूरा रिटर्न ये सबमिट करते हैं हमारा ये सोर्स ऑफ इनकम है और इतना हमारा इनकम होगा और इस इस वे में हम एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं तो प्रो तो प्रोविजन ऑफ फंड कहाँ से होता है पार्लियामेंट से पार्लियामेंट में पास करा करके ही आप ला सकते हैं प्रोविजन ऑफ फंड प्रोविजन ऑफ फंड कंसोलिडेटेड फंड में से कोई दूसरा तरीका है ही नहीं बिना पार्लियामेंट mm -hmm. से पास कराए एक रुपया भी आप कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंडिचर में नहीं यूज कर सकते किसी भी चीज़ में उसको यूज नहीं कर सकते इसलिए प्रोविजन ऑफ फंड वनली एंड वनली बाई पार्लियामेंट दैट इज गिवेन इन रूल सेवन उसके बाद से रूल एट में क्या है रूल एट में प्राइमरी यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन हेड्स कैटेगरीज ये एक बहुत बड़ा चैप्टर अपने आप में इसमें मेजर हेड्स आते हैं माइनर हेड्स आते हैं मेजर वर्क्स आते हैं माइनर वर्क्स आते हैं सैलरी हेड आते हैं अलाउंसेज हेड आते हैं बिल्डिंग हेड्स आते हैं रोड हेड आते हैं इसमें कई तरह के हज़ारों तरह के इसमें हेड्स होते हैं तो प्राइमरी यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन उसमें जो फर्स्ट टाइम में जब हम अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड करते हैं तो एवरी हेड में हम एलोकेट करते हैं कि इस हेड में इतना इस हेड में इतना इस हेड में इतना उसको हम प्राइमरी अप्रोप्रिएशन कहते हैं रूल नाइन्थ में अलॉटमेंट ऑफ फंड्स अलॉटमेंट ऑफ फंड्स कैसे होता है सबसे पहले पार्लियामेंट जो है वो कितना हमारा इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है जो एक्सपेंडिचर शो कर रही है वो अलॉटमेंट हो गया उसके बाद से वो पार्लियामेंट क्या करेगी मिनिस्ट्रीज को बांट देगी वो इस मिनिस्ट्री का इतना है इस मिनिस्ट्री का इतना है ऐसे कर देंगे मिनिस्ट्री क्या करेगी अपने अंदर में जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको वो सर्कुलेट करेगी कि हमें इतने फंड मिले हैं इस इस हेड में और इस इस हेड में यहाँ यहाँ पर इतने खर्चे करने हैं और जहां जहां पर जितने खर्चे करने हैं वहां वहां का जो डी होगा वैसे तो हमने वहां पर हेड ऑफ द ऑफिस बनाया है दिपार्टमेंट मीन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड यहां पर हेड ऑफ द ऑफिस रिस्पॉन्सिबल है बट जो डिसबर्समेंट होता है वो डी के द्वारा ही होता है इट इज़ नॉट विदिन द कम्पिटेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर एग्री टू अप्रोप्रिएशन विदआउट द कंकुडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द फंड्स प्रोवाइडेड फॉर न्यू आइटम्स सो जितने भी न्यू आइटम्स हैं इनका जो है अप्रोप्रिएशन कहाँ से होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अप्रोप्रिएशन के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है तो इस तरीके से रूल टेन जो है बहुत बड़ा सेक्शन है और इसको हम अगले सेशन में डील करेंगे तो इस सेशन में हमने अभी तक जनरल लिमिटेशन ऑन पावर टू सेंक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में ध्यान से स्टडी किया बड़े लेंथ में स्टडी किया अगर आपको लगता है कि हम जो बता रहे हैं वो आपके काम आ रहा है आप उससे बेनिफिटेड हो रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है साहब एक कमेंट तो बनता है अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए नमस्कार